वेलकम गाइज वेलकम बैक टू यू ओन चैनल ऑप्शंस गाइड तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली मार्केस वीडियो में आज की मार्केट देखेंगे तो फिर से क्या हुआ मार्केट में निफ्टी में एक अच्छी खासी रैली देखी हमने कल ही आपको बता दिया था कि लोअर साइड हमारे सपोर्ट में मार्केट आ चुकी है तो यहाँ से आप बाउंसिस प्ले कर सकते हैं वहाँ से बहुत अच्छी रैली देखी हमने बैंक निफ्टी में मैजिकली आपको बोथ साइड के ट्रेड्स मिले लोअर साइड से बाउंसिस भी कहां से आपको रिवर्सल प्ले करना था वो भी आपको पता था और रिवर्सल में जहां डिप आया जहां से दोबारा बाउंस आता है वो भी हमारा लेवल था मैजिकली बोथ निफ्टी बैंक निफ्टी ने मार्केट ने हमारे सेटअप पे वर्क किया डिटेल में इंट्राडे मार्केट तो डिस्कस करेंगे ही लेकिन साथ साथ कल है वीकली एक्सपायरी तो अब एक्सपायरी में क्या सेटअप आपको फॉलो करना है क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं सारी चीज़ों की बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है डेली हम प्रूफ करते हैं आपको कि इससे बेटर एनालिसिस मिल ही नहीं सकता तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना चलिए एनालिसिस पार्ट पे आते हैं पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं कि क्या हुआ मार्केट में फिर कल के लिए सेटअप भी देखेंगे आप ये देखिए बैंक निफ्टी में ओपनिंग ओपनिंग साइट पॉजिटिव मॉर्निंग में डिप भी आता है अब देखो हमारे यहाँ पे लेवल था फोर्टी फाइव एट फिफ्टी ठीक है सिंपली इसके अबव मार्केट पॉजिटिव है इस लेवल को होल्ड करे इस लेवल के अबव रहे मार्केट पॉजिटिव है कॉल्स में एंट्री टारगेट क्या था सिर्फ एंट्री इंपॉर्टेंट नहीं है मैं आपको यही चीज समझाता हूं कि सिर्फ एंट्री इंपॉर्टेंट नहीं है टारगेट्स क्या है कहां तक आपको रैली कैच करनी है टारगेट था हमारा 46,000 मॉर्निंग में मार्केट का हाई यहीं पे लगता है 46,000 पे और यहां हमने क्या डिस्कस किया था हमने कहा था पुट में कोई ट्रेंडिंग फॉल नहीं आएगा कोई लेवल ब्रेक होने के बाद फॉल नहीं आएगा पुट में कहीं से अगर आपका ट्रेड बनेगा तो वो बनेगा 46,000 पे जब मार्केट ऑलरेडी एक रैली कर चुकी होगी यहाँ मार्केट रेजिस्टेंस का साइन देगी तो फिर आपको ये रिवर्सल प्ले करना है और पुट्स में एंट्री करनी है और फिर से कहूँगा कमाल सिर्फ एंट्री का नहीं है कि 46,000 से आपको एंट्री मिल गई कमाल ये भी है कि टारगेट पिन पॉइंट क्या था मार्केट में गजब का फॉल किन फॉल कहाँ तक आता है फिर से मॉर्निंग का वही लेवल 45850 एग्जैक्ट मार्केट वहीं तक फॉल करती है सो इससे ज़्यादा मैजिकल लेवल्स क्या मिलेंगे आपको बिल्कुल मार्केट लेवल टू लेवल वर्क कर रही है मॉर्निंग से मॉर्निंग में एक क्लियर कट डाली 46,000 तक वहाँ से फिर से फॉल 45850 दोनों ही हमारे लेवल्स है और हम डेली लेवल चेंज नहीं करते हैं लोगों की तरह कि आज कोई न्यू लेवल बन गया या लेवल बनने के बाद आज सबको फोर्टी फाइव एट फिफ्टी दिखाई देगा लेवल क्योंकि मार्केट यहाँ काम कर चुकी है लेकिन हम आपको पहले ही बताते हैं कि ये लेवल आज वर्क करेगा और देखो मैजिकली वर्क कर रहा है उसके बाद फोर्टी फाइव एट फिफ्टी से फिर बाउंस क्लियरली डिस्कशन थी कि पुट्स की एंट्री फोर्टी सिक्स थाउजेंड से बनेगी यहाँ एग्जिट पॉइंट है कॉल की एंट्री के लिए फोर्टी फाइव एट फिफ्टी फिर मार्केट ने होल्ड किया फिर कॉल में एंट्री एक अच्छी डिसेंट रैली फिर से मार्केट 46,000 पे जाके स्ट्रगल करती है अब देखो फिर से वहां से डिप्स आते हैं और यहां पे मार्केट बनाना शुरू कर देती है हाइयर लूज और ये सब कैसे आइडेंटिफाई होता है ये भी अभी आपको सिखाऊंगा ये जो न्यूट्रल लाइन है आज मार्केट ने जो हाइयर लूज बनाए उसी के थ्रू ये मिली और डे एंड में फिर से इससे एक बहुत अच्छा ट्रेड भी मिला है फिर मार्केट वहाँ से ट्रेंड लाइन से बाउंस करती है 46,000 सिक्स फिर से ट्रेंड लाइन के आसपास फिर बाउंस आता है और एक बहुत ही अच्छा दिन रहा होगा ओवरऑल मार्केट बुलिश है बोथ साइड के ट्रेड्स आप बैंक निफ्टी में स्पेशली बना सकते थे मॉर्निंग में तीन बहुत ही क्लियर का ट्रेड्स थे और जब आप लाइव मार्केट में देखोगे ना मार्केट को स्टडी करने की कोशिश करोगे चार्ट्स को स्पेशली देख के अगर आप ट्रेड करोगे सिर्फ प्राइस को देख के ट्रेड करो तो वहाँ कोई सोल्यूशन नहीं है लेकिन अगर आप चार्ट देखोगे ना ओपन माइंडेडली तो आपको दिखाई देगा जब मार्केट पैटर्न बनाती है मार्केट में मॉर्निंग का लो यहाँ लगा बाउंस आया सेकेंड टाइम लो आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि यार पहले लो से थोड़ा हाइयर लगा है पहला लो मार्केट ने ब्रेक नहीं किया चलो यहाँ समझ ना भी आया हो उसके बाद फिर एक डिप आता है फिर मार्केट एक लो लगाती है थर्ड टाइम फिर आपको दिखा कि यार बाउंस से पहले मार्केट ने फिर एक हाइयर लो लगाया है तो ऐसे आप लाइव मार्केट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाइयर लोज लग रहे हैं और अगर आपने इन तीन पॉइंट्स से आइडेंटिफाई कर लिया था ना तो डी एंड में आपको एक बहुत अच्छा ट्रेड मिला है यहां सडनली अगर ट्रेड बनाया होगा आपने 40 टू 50 परसेंट रिटर्न बना इस सिंपल मूव में देख लो कितना अच्छा दिन था बैंक निफ्टी में निफ्टी में देखो और पहली चीज निफ्टी में बोलेशयम बहुत क्लियरली बता दिया था क्यों उसका मेन रीजन था हमारा पोजिशनल चार्ट निफ्टी का अब ये बार बार यार वही चीज़ रिपीट हो जाएगी कि हमने पहले बहुत बड़ी रैली कैच की ऑलमोस्ट यहाँ फिफ्टीन हंड्रेड पॉइंट की रैली मार्केट में फिर ट्वेंटी थाउजेंड से डिप आ रहा था वो हमने डिस्कस भी किया था कि अब मार्केट डिप करेगी लेकिन वो डिप आएगा यहां तक और यहाँ से फिर मार्केट में रैली स्टार्ट होगी क्लियरली ये डिस्कस किया था और देखो कल फिर से मार्केट ने ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर दिया था ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले लिया था मैंने आपको सिंपली बताया था अब आप पोजिशनल लॉन्ग्स बना सकते हैं पहले भी डिस्कस किया था कि इस ट्रेंड लाइन के पास जब मार्केट आएगी तब आप पोजिशनल लॉन्ग्स में एंट्री कर सकते हैं सिंपली देखो और वहाँ से टू पॉइंट्स की रैली आ चुकी है 200 पॉइंट्स का निफ्टी में मूव छोटा नहीं होता है आप एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन से देखोगे क्या गजब की रैली है इसीलिए आज हम बुलिश थे मार्केट में सिंपली हमने डिस्कस किया था लोअर साइड जाएगी मार्केट फिर से ट्रन लाइन के पास आएगी तो भी कॉल में एंट्री करेंगे अप साइड कोई ब्रेकआउट मिला तो भी कॉल में एंट्री करेंगे यही तो कहा था ना और देख लो ये देखो निफ्टी का चार्ट सिंपली कल मार्केट नाइनटीन सेवन पर स्ट्रगल कर रही थी आज के लिए डिस्कशन थी अगर मार्केट इसके अबव जाती है तो मार्केट बुलिश होगी एक अच्छी राली एक्सपेक्टेड है और ऑलरेडी मल्टीपल टाइम हम नाइनटीन को टेस्ट कर चुके थे तो कहा था मैक्सिमम चांसेस है ये लेवल ब्रेक होगा और ब्रेक हुआ मॉर्निंग में क्लियर कट ब्रेकआउट और उसके बाद गज़ब की रैली नाइनटीन सेवन फिफ्टीन नेक्स्ट लेवल था वो भी ब्रेक हुआ वहाँ मार्केट ने सपोर्ट भी लिया उसके बाद नेक्स्ट लेवल नाइनटीन एट हंड्रेड नाइनटीन एट हंड्रेड तक भी आया उसके अबव भी जाते हुए हमने देखा मार्केट को तो वन साइडेड गज़ब की रैली उसके बाद यहाँ तो पूरा टाइम मार्केट रेंज में थी फिर से जो ये मॉर्निंग की रैली अगर आपने मिस की उसके बाद बहुत ज़्यादा ट्रेड्स नहीं है मार्केट नैरो रेंज में है और एक चीज़ यहाँ नोटिस करोगे ट्रेंड आपको जानना ही है फॉल आने वाला है तो एक चीज़ नोटिस करो वहाँ पे हम बैंक निफ्टी में हाइयर लोस बना रहे थे पूरा टाइम यहाँ पे देखो ये लो बनाए उसके बाद बाउंस में नेक्स्ट लो उसके लोअर बनाए उसके बाद बाउंस में जो नेक्स्ट लो बना है वो उसके लोअर बनाया है तो यहां लोअर लोज बन रहे हैं मार्केट में लोअर लोअज आपको नेगेटिव ट्रेंड बताते हैं और वही हुआ बाद में डी एंड में ये सडन फॉल आया तो ये चीज़ें आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए और ये मैं डेली वीडियोस में बहुत सारे डिस्कशन नहीं कर सकता यार हाँ हमने ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में कोर्स में कवर की हुई है मैं बहुत ज़्यादा कोर्स की बात इसीलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ आप डेली मार्केट के सेटअप से ही ट्रेड बना लो लेकिन अगर आप खुद मल्टीपल चीज़ों में ट्रेड करना चाहते हैं जैसे बहुत बार आप फिन निफ्टी के बारे में पूछते हैं मैं एलिस नहीं देता हूँ फिन निफ्टी का क्यों नहीं देता हूँ क्योंकि यार एक तो ज्यादा पुराना इंडेक्स नहीं हुआ है वो और वहां अभी लेवल्स इतने मैजिकली बिल्डअप नहीं हुए हैं जहाँ निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें मिल जाते हैं वहां ऐसा नहीं है इसीलिए जब मुझे लगेगा कि हाँ मार्केट वहां लेवल्स पे परफेक्टली वर्क करना स्टार्ट कर चुकी है तब मैं आपको फिर निफ्टी का एनालिसिस दूंगा मैं रेंडमली कुछ शेयर नहीं करता हूँ आपसे लेकिन अगर आप सच में लॉन्ग टर्म में सीरियस है और सेल्फ एनालिसिस भी सीखना चाहते हैं आपको तो अगर मल्टीपल चीजें करनी है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स भी आइडेंटिफाई करने हैं आपको इसके अलावा निफ्टी बैंक निफ्टी के अलावा भी कुछ ट्रेड करना है तो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीज़ें इसके अलावा बहुत कुछ लेवल्स कैसे फाइंड आउट होते हैं ये मार्केट के स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं ये सब कुछ वहाँ डिटेल में हमने सिखाया हुआ है बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ तो अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कुछ क्वेरीज आ रही थी तो फिर से हम कोर्स पे 20 परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चलिए एनालिसिस पार्ट पे दोबारा आ जाते हैं मैं आपको वही समझा रहा था देखो लोअर हाइज बन रहे तो मार्केट बता रही है आपको कि यहाँ जो बुले स्ट्रक्चर था वो थोड़ा वीक हो रहा है और इसीलिए हमें डे एंड में एक फॉल भी देखने को मिला फॉल में फिर मार्केट ने नाइनटीन पे फिफ्टी पर सपोर्ट लिया वहाँ से बाउंस आया लेकिन ओवरऑल एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग है वही एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि सपोर्ट तो हमने ऑलरेडी कल ले लिया था आपको बताया था कि भाई सपोर्ट तो ऑलरेडी कल ले चुके हैं दोबारा आ गया सपोर्ट तक तो बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन नहीं आए तो डायरेक्टली एक बड़ा मूव आएगा अगर नाइनटीन के अबव गई मार्केट ठीक है तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही बहुत क्लैरिटी के साथ हमने ट्रेड्स आपको बताए थे और परफेक्टली उन ट्रेड्स ने वर्क किया अब कल के लिए सेटअप जान लेते हैं और, और कोर्स के लिए आप फर्स्ट कमेंट चेक कर लेना वहां आपको लिंक्स मिल जाएंगे जो 20 परसेंट डिस्काउंटेड लिंक्स है कोर्स के उसके लिए आप फर्स्ट कमेंट चेक कर सकते हैं अगर आप सीरियस है लर्निंग को लेकर अब आज की मार्केट हो चुकी है लेकिन एक्सपायरी में क्या करना है अप मूव आएगा फॉल आएगा बोलेश है मार्केट कैसी है सब कुछ डिस्कस करते हैं पहले निफ्टी की ही बात कर लेते हैं देखो निफ्टी में बहुत क्लियर है एक्सपायरी में हम फिफ्टीज़ के लेवल यूज़ करते हैं तो नाइनटीन पहला लेवल उसके बाद नाइनटीन उसके बाद नाइनटीन लोअर साइड सपोर्ट नाइनटीन उसके बाद नाइनटीन ठीक है सिंपल क्लियर अब कल कोई बहुत बड़ी अप या डाउन ओपनिंग हो जाती है तो भी आपके पास ऑलरेडी लेवल्स होंगे क्योंकि फेड की मीटिंग है हो सकता है कोई बड़ी गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो तो वहां भी आपके पास ऑलरेडी लेवल्स होंगे क्योंकि अगर मान लो मार्केट नाइनटीन पे ओपन हो जाती है तो इसके बाद नेक्स्ट लेवल क्या होगा नाइनटीन एवरी फिफ्टीज पे लेवल है कल के लिए सिंपल ध्यान रखो जहां भी मार्केट ओपन हो उसके बाद फर्दर फिफ्टीज के लेवल मार्क कर लो वो यूज आएंगे निफ्टी में ठीक है अब हमारे अकॉर्डिंग अगर फ्लैट ही ओपनिंग होती है तो कैसे ट्रेड्स बनेंगे देखो 19800 अब रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिला तो कॉल्स में एंट्री फर्दर रैली 19850 पहला टारगेट उसके बाद 19900 फिर 19950 एवरी फिफ्टी पे लेवल है सिंपली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मस्ट यूज करना है आपको एक्सपायरी में बहुत गजब का टूल है बार बार समझाता हूँ बिल्कुल फ्री है और ऐसा भी नहीं है कि चार्ज करते हैं कुछ आपको धन ब्रोकर में ऑटोमेशन में वर्क करता है इसलिए बार बार आपको मैं धन ब्रोकर भी सजेस्ट करता हूँ पहला ट्रेड क्लियर है नाइनटीन के अबव रैली आएगी फर्दर और कॉल्स में आपको एंट्री करनी है लोअर साइड 19750 सपोर्ट है मार्केट ने डे एंड में इसे प्रूव भी किया है तो अगर सपोर्ट ब्रेक होगा तो मार्केट में फॉल आएगा पुट्स में एंट्री टारगेट 19700 और 19650 ये दोनों लोअर साइड लेवल्स आपके टारगेट होंगे सिंपल सेटअप है अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होती है तो नाइनटीन से नाइनटीन इस रेंज को आपको देखना है नाइनटीन के अबाव मार्केट बोलिश 19750 के बिलो मार्केट बेरिश अगर इस रेंज में ओपन ना हो तो फिर आपको देखना है मार्केट कहां ओपन हो रही है और जिस लेवल के बिलो ओपन हो उस लेवल के ब्रेकआउट का वेट करो कॉल में एंट्री करने के लिए और जिस लेवल के अबव ओपन हो अगर उस लेवल को लोअर साइड ब्रेक करेगी तो पुट्स में एंट्री है सिंपल सेटअप फॉलो करना है यह तो बात हो गई चार्ट्स पे ऑप्शन चेन क्या बता रही है वो भी एक बार देख लेते हैं चलिए ऑप्शन चेन पे आ जाते हैं ये देखो नाइनटीन अभी भी रजिस्टेंस है यहाँ आज इंट्राडे में काफी गजब का हुआ एड हुआ था अगर आपने इंट्राडे में ऑप्शन चेन देखी होगी तो ऑलमोस्ट हम यहाँ थ्री लाख ओआई तक पहुंच गए थे नाइनटीन पे लेकिन डी एंड में फिर पोजिशन वहां से अनवाइंड हो गई तो अभी भी कल के लिए भी 19800 एट हंड्रेड है जब इसका ब्रेकआउट मिलेगा तभी एक ट्रेंडिंग रैली आएगी मार्केट में सपोर्ट की बात करें सपोर्ट अब शिफ्ट हो चुका है 19700 सेवन हंड्रेड पे टू लैख सिक्सटीन थाउजेंड ओआ है पुट साइड कॉल साइड ओनली 80,000 तो मोर देन वन लैख का गैप मिल जाता है तो इसलिए कल के लिए मार्केट की ये रेंज है एज पर ऑप्शन चेन ये हंड्रेड पॉइंट्स की रेंज है ट्रेड्स वैसे सिंपल है जो हमने चार्ट्स पे डिस्कस किया है वो आप ट्रेड यूज कर सकते हैं इसके अलावा मार्केट बुलिश है या बहरिश उसके लिए आप एक चीज देख सकते हैं कि टोटल उवाई कितना है यहाँ ऑलमोस्ट थर्टी लैख वआवाई है कॉल साइड पुट साइड ट्वेंटी थ्री तो कॉल साइड अगर ज्यादा है तो मार्केट बहरिश है पुट साइड ज्यादा होगा तो यानी मार्केट बुलिश है आज पुट साइड काफ़ी ज़्यादा ओ आई ऐड हो रहा था इंट्राडे में लेकिन कभी भी हमने कॉल साइड को सरपास नहीं किया कॉल साइड भी कुछ ना कुछ ओ आई ऐड होता ही था इसीलिए डे एंड में हमें एक सेल ऑफ देखने को मिला अदरवाइज क्लोजिंग 19800 के अबव आनी चाहिए थी लेकिन ये जो ओ आई एडिशन हो रहा था ना पुट साइड कॉल साइड वो हमें अनवाइंडिंग देखने को नहीं मिली अगर कॉल साइड अनवाइंडिंग होती तब ये ज्यादा मार्केट अपसाइड मूव कर पाती आज 19800 को होल्ड कर पाती तो इंट्राडे में अगर मार्केट को कल फर्दर बुलिश होना है तो आपको ये देखना है पुट साइड वाई कॉल साइड वाई से ज्यादा होना चाहिए टोटल वाई में ठीक है ये चीज भी आप ध्यान रख सकते हैं अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं निफ्टी तो हो गया बैंक निफ्टी में मैजिकल डे था एक न्यूट्रल लाइन है कहाँ से बनी है वो देख लो ये पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट इन तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट करो आपको ट्रेंड लाइन मिल जाएगी ये अपने आप लेवल टेस्ट हुआ है मैंने ट्रन इन तीनों पॉइंट्स के थ्रू बनाई थी यहाँ अपने आप लेवल टेस्ट हो गया और जब आप ये ट्रन मार्क करोगे ना जैसे मैंने मार्क किया है आपको एक प्रीवियसली लो पे भी जाके ट्रन लाइन मिलेगी वहाँ भी आपको दिखेगी ये ट्रन वर्क करती हुई वो थोड़ा आप देख लेना बैकग्राउंड में जाके अभी सिंपल है पहली चीज़ ये ट्रन मार्क करो जब ये ट्रन अब लोअर साइड ब्रेक होगी सिर्फ तभी आपको पुट्स में एंट्री करनी है अभी ट्रन का लेवल है फोर्टी तो यानी कल 45960 के बिलो ही आपको पुट्स में एंट्री करनी है और टारगेट होगा 45850 एंड 45650 अपसाइड 46000 लेवल है मार्केट इसे होल्ड करे या इसके अबव है तो कॉल्स में एंट्री टारगेट 46200 46200 का भी ब्रेकआउट मिलता है तो नेक्स्ट टारगेट 46350 ये सिंपल और क्लियर सेटअप है और इन चीजों का ध्यान रखो कि मार्केट में लोअर हाइज बन रहे हैं या हाइयर लोज बन रहे हैं क्या स्ट्रक्चर बन रहा है इसके थ्रू आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं मार्केट का और सेकेंड हाफ में किस साइड मार्केट मूव बनाने वाली है वो आइडिया आपको फर्स्ट हाफ से ही मिल जाता है तो उसके लिए आप इन चीजों को भी ध्यान रख सकते हैं कोर्स मैंने ऑलरेडी बता दिया सीरियस है लर्निंग को लेकर तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत ही नॉमिनल सी फीस है फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा तो होप एक्सपायरी के लिए सेटअप क्लियर है कोई भी क्वेरी कमेंट्स में कर सकते हैं वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हैं तो कोई सवाल ही नहीं है यार सब्सक्राइब क्यों नहीं करना है फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लो और बाकी लोगों के साथ शेयर भी करो ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके मोर देन थ्री ईयर से हम लेवल्स का मैजिक आपको दिखाते हैं सारी चीज़ें आपको ट्रांसपेरेंटली बताते हैं हमें ये नहीं लगता कि आपको पता लग जाएगा तो चीज़ें वर्क नहीं करेंगी बिल्कुल वर्क करेंगी सबको मैंने फोर्टी फाइव एट फिफ्टी लेवल बताया था ना सबको पता था क्यों नहीं वर्क करेगा करेगा ट्रस्ट तो करो ट्रस्ट एंड ट्रेड यही आपका काम है